Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 20th of August. So let's start the day with the first important topic and that is Karnail Singh issue. तो context क्या है कि भारत Independence Day celebrate जब करा तो पंजाब के जो Chief Minister हैं उन्होंने homage paid करा किसको activist Karnail Singh issue को जो died कर गए on the same day 1955 में जब वो participate कर रहे थे Goa Liberation Movement में. तो Karnail Singh issue इनका जन्म होता है 1930 में जो कि आज का पाकिस्तान है. बेसिकली इंस्पायर होते हैं फ्रीडम मूवमेंट से अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. ये ज्वाइन करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को और जो कि पार्ट बन जाता है गोवा लिबरेशन मूवमेंट का और ये होइस्ट करते हैं इंडियन फ्लैग को गोवा में. इसरो जो है वो अपना घर छोड़ देते हैं और मूवमेंट को हिस्सा बना लेते हैं बगैर अपने फैमिली को इन्फॉर्म किए हुए और वो पार्ट बन जाते हैं ग्रुप ऑफ सत्याग्रही जो कि सहोद्रा बाई राय जो है उनके द्वारा इसको लेड करा गया है. हालांकि आप देखोगे अपॉन एंटरिंग पत्रा देवी विलेज जो कि गोवा में है पोर्टुगीज फोर्सेस जो है वो ओपन करते हैं फायर और इसरो फैटली शॉट हो जाते हैं इन द चेस्ट एट द एज ऑफ 25. गोवा को इवेंचुअली एनेक्स करा गया भारत के द्वारा वापस से 1961 में ऑपरेशन विजय. सवाल पूछा जाता है कि गोवा इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट कब बना. एक्चुअली आप देखोगे हिस्टोरिकली तो पोर्टुगीज ही फर्स्ट थे जो कि भारत में एंटर करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जब आप पढ़ोगे और लास्ट भी वही होते हैं गोवा से बाहर जाकर मतलब निकलने वाले. तो इस वजह से 1961 ऑपरेशन विजय. गोवा में आप देखोगे एक ब्रॉन्ज बस्ट है इशू का जो कि इंस्टॉल करा गया है प्राइमरी स्कूल. साथ साथ में आप देखोगे जो लीगेसी है Karnail Singh issue का वो सर्व करता है रिमाइंडर उनके सेक्रीफाइस का जो भी उन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए किया है और गोवा के लिबरेशन मूवमेंट में. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्वकर्मा योजना का. तो 77th इंडिपेंडेंस डे भारत का हाल ही में बीता है तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा है अपकमिंग लॉन्च विश्वकर्मा योजना का जो कि इंट्रोड्यूस करा जाएगा विश्वकर्मा दिवस पर यानी कि 17th पर. तो इससे हम रिलेटेड है आइए देख लेते हैं इसके बारे में. तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो स्कीम है वो एम करता है बेनिफिट करने के लिए इंडिविजुअल्स को जो कि स्किल्ड हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप में स्पेशली जो ओबीसीज वगैरह हैं कम्युनिटी के. तो ये इंडिविजुअल स्किल से जुड़ा हुआ है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप पे मतलब जो मतलब बुनकर वगैरह पुराने समय के स्किल को आगे भी आज कंटिन्यू कर रहे हैं. जैसे कि स्किल्ड आर्टिसन में आप देखोगे वीवर्स हो गए गोल्ड स्मिथ्स हो गए ब्लैक स्मिथ्स हो गए लॉन्ड्री वर्कर्स हो गए बार्बर्स हो गए अमंग अदर्स और इनको एम्पावर किया गया है थ्रू दिस स्कीम. ये जो स्कीम है वो इनकम पास करता है वेरियस एलिमेंट्स जैसे कि फाइनेंशियल एड मॉडर्न और ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग ब्रांड प्रमोशन मार्केट कनेक्टिविटी डिजिटल पेमेंट्स और सोशल सिक्योरिटी. साथ साथ में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा ये जो योजना है जैसे कि पीएम स्वनिधि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया है कि 10,000 रुपए तक का जो लोन है वो ले सकते हैं बगैर किसी कोलैटरल के. ठीक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा लाया गया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं. साथ साथ में उज्ज्वला योजना. उज्ज्वला आपको पता है फ्री एलपीजी सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बीपीएल हाउसहोल्ड्स को जिसमें महिलाएं 18 साल से ऊपर की जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होंगी. इसी के साथ साथ में आप देखोगे सीख करना एम्पावर आर्टिसंस को और स्ट्रेंथन करना एग्रीटेक सेक्टर को एग्रीटेक मतलब एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिला करके इंक्लूडिंग वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि प्रोवाइड करता है 15,000 ड्रोन्स और नेसेसरी ट्रेनिंग से. नेक्स्ट है समुद्र मोबाइल ऐप. तो भारत का जो नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है इनकॉइस एक डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है समुद्र यानी कि स्मार्ट एक्सेस टू मैरीटाइम यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज. तो ये जो ऐप है वो ऑफर करता है कॉम्प्रीहेंसिव ओशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि बेनिफिट करता है सी फारर्स को और फिशिंग कम्युनिटी को. ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम अपडेट्स और क्रिटिकल अलर्ट्स ओशनिक डिजास्टर्स में जैसे कि सुनामीस स्टॉर्म सर्ज में हाई वेव्स में और स्वेल सर्ज अलर्ट्स में. इसका फीचर है इंटरएक्टिव मैप वगैरह चार्ट्स वगैरह एनिमेशंस वगैरह एक्सप्लेन करना कॉम्प्लेक्स ओशनिक फिनोमिना को. ये जो ऐप है वो पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है फिशरमैन के लिए क्योंकि ऑफर करता है पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज वगैरह गाइड करता है उनको पोटेंशियल फिश एग्रीगेशन लोकेशंस वगैरह. ये जो ऐप है वो सर्व करता है अलग अलग जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज हैं जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी शिपिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है ये ऐप अलाइन करता है इनकॉइस मिशन को कि वो सर्व करे नेशन के साथ में ओशन डेटा का और एडवाइजरी सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल ओशन एक्टिविटीज का और ब्लू इकोनॉमी का. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिम्ड फॉरेस्ट्स. तो ये ओडिशा गवर्नमेंट जो इशू कर रहा है लेटर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को जो स्टेट करते हैं कि जो रिक्वेस्ट्स है फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस. जैसे कि आप देखोगे अभी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करना तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एनवायरमेंटली ये थ्रेट है अमेंड करके फॉरेस्ट एक्ट को और जो कैटेगरी है डिम्ड फॉरेस्ट्स का उसको खत्म कर दिया जा रहा है. तो ये चर्चा में है आइए इसके बारे में देख लेते हैं. डिम्ड फॉरेस्ट रेफर करता है उन फॉरेस्ट लैंड को जो डिक्शनरी डेफिनेशन आप देखोगे कि एक फॉरेस्ट है लेकिन ऑफिशियली उनको डेजिग्नेट नहीं किया गया है वैसा.
हालांकि ये जो चेंज है इंटरप्रिटेशन का ओडिशा गवर्नमेंट का, वो कंसर्न्स को रेज कर रहा है किस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। नियरली हाफ ऑफ ओडिशा का जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कैटेगराइज इसी में किया गया है। डीम्ड फॉरेस्ट रेफर करता है, जो भी आपने देखा है सेम एक्चुअली वही सारी बातें हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं नियरली हाफ ऑफ ओडिशा जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट है। अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट फोकस करता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे फॉरेस्ट एरियाज के गवर्नमेंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे। इसी के साथ साथ में आप देखोगे प्रोटेक्शन है अंडर द एक्ट जो कि प्रिवेंट करता है लैंड डाइवर्जन को बगैर कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के और लोकल ग्राम पंचायत के। मतलब अगर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है किसी और लैंड के पर्पस के लिए, मान लो वहां से मतलब रोड्स निकालना है या कॉरिडोर बनाना है, तो वो तभी हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाएगा और लोकल जो ग्राम पंचायत है उनका भी परमिशन लिया जाएगा, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है। साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज होगा क्लियर करके इस एरिया को और इंपोज करना पेनाल्टीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इन अमेंडमेंट्स को लाता है फॉरेस्ट एक्ट को ताकि इस एप्लीकेशन को लाया जा सके और क्लेम करता है कि जो चेंजेस हुए हैं वो 1996 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। हालांकि जो कंसर्न्स है वो रेज करता है कि ये अनचेक्ड फॉरेस्ट डाइवर्जन कर सकता है और नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है फॉरेस्ट राइट्स को। चलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में देख लेते हैं। 1980 का वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, तो ये लाया गया था कंसोलिडेट करने के लिए, माने मर्ज करने के लिए जो लॉ फॉरेस्ट से जुड़े हुए, जैसे कि ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, ड्यूटी जो लेवाई किया जाएगा टिम्बर और बाकी के फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, अप्रूवल जो है डाइवर्जन ऑफ द लैंड का। तो इस एक्ट के तहत प्रायर अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रिक्वायर्ड है डाइवर्जन के लिए फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए। चार कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट्स है ये जो एक्ट है वो डील करता है फॉरेस्ट्स को, नेमली रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, विलेज फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट्स। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट का डेफिनेशन है जो कि फॉरेस्ट लैंड्स या वेस्ट लैंड्स जो रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है, अनऑथोराइज्ड फेलिंग अगर होगा, क्वेरिंग, ग्रेजिंग, हंटिंग, ये सारा इसी में है। विलेज फॉरेस्ट जो है वो विलेज कम्युनिटी के लिए और बाकी का आप देख सकते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रेस्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पे ये सारे रूल्स, लाइसेंसेस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीडियोज भी हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।